ये फ्रेंड टाटा हैरियर है, XZA+ डार्क एडिशन। इसमें फ्रेंड प्रॉब्लम ये है कि इसको स्टार्ट करने से इसमें DPF का लाइट शो कर रहा है और सर्विस लाइट देख सकते हो। मैं इसको स्टार्ट करूँगा, ये स्टार्ट हो गया बट इसमें कंटिन्यू लाइट शो हो रहा है, देख सकते हो रीजनरेशन का और सर्विस लाइट। इसको मैं रीजनरेशन किया बट इसका लाइट रिमूव नहीं हुआ, कंटिन्यू शो हो रहा है। इसको फ्रेंड हम लोग चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है। और सबसे पहले तो फ्रेंड जितने लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचते रहे। हम लोग फ्रेंड इसका DCU चेक करेंगे। इसका DCU का लोकेशन है को ड्राइवर सीट के नीचे और इसका सीट को हम लोग अभी बाहर निकालने वाले हैं। इसके सीट के नीचे लगा है DCU। और फ्रंट सीट को निकालने के लिए हम लोग इसका बोल्ट को निकालेंगे। 14 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है, 4 बोल्ट है और इसमें वायरिंग कनेक्शन है कुछ, उसको भी हम लोग डिसकनेक्ट करेंगे और सीट को बाहर निकालेंगे। इसका DCU को चेक करेंगे हम लोग। फ्रेंड इसमें लाइट जो शो हो रहा है वो DPF का लाइट है, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर DPF लाइट। और ये लाइट आने से इंजन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता, पिकअप लो हो जाएगा या फिर और बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगता है। देख सकते हो ये लगा है इसका DCU, इसको हम लोग अभी निकालेंगे बाहर। इसके ऊपर में कुछ कवर है उसको भी साइड करेंगे और इसके सीट में कुछ वायरिंग है देख सकते हो, ये वायरिंग को भी हम लोग डिसकनेक्ट करेंगे और इसके सीट को भी अलग निकालेंगे हम लोग और चेक करेंगे इसका DCU को। फ्रेंड इसको मैं रीजनरेशन भी किया और इसका ECU भी चेंज करके देखा बट इसमें कंटिन्यू लाइट शो हो ही रहा, रिमूव नहीं हुआ इसका लाइट। इसका हम लोग DCU को चेंज करेंगे। हम लोग फ्रेंड सीट का वायरिंग डिसकनेक्ट कर दिए हैं और इसके सीट को बाहर निकाल के स्पेस बनाएंगे। यहाँ इसका यूनिट को निकालेंगे बाहर, सीट को हम लोग बाहर निकाल दिए हैं और ये है DCU का जगह, देख सकते हो लोकेशन। ये कवर के नीचे DCU लगा हुआ यूनिट और इसको हम लोग अभी निकालेंगे बाहर। इसमें फ्रेंड हम लोग दूसरा यूनिट लगा के चेक करेंगे। ये फ्रेंड यूनिट को ड्राइवर सीट के नीचे में लगा हुआ है और जिसको निकालने के लिए हम लोग को ड्राइवर सीट को बाहर करना पड़ा, देख सकते हो ये इसका यूनिट है। हम लोग फ्रेंड इसको ऊपर से ही DCU को चेंज करके देखेंगे नया DCU लगा के। ये DCU का कपलर है देख सकते हो, मैं इसमें न्यू DCU लगाऊंगा। ये नया DCU है यूनिट, डोजिंग कंट्रोल यूनिट है ये। इसके कपलर को फ्रेंड अच्छे से प्रेस करके लॉक करेंगे, देख सकते हो मैं लगा दिया हूँ इसमें DCU। और अब मैं इसको स्टार्ट करके चेक करूँगा न्यू DCU लगाने के बाद। देख सकते हो फ्रेंड इसमें लाइट शो नहीं हो रहा है, अब रिमूव हो गया लाइट, फ्यूल लेवल लो। फिर से मैं इसको बंद करके चालू करूंगा। देख सकते हो फ्रेंड लाइट रिमूव हो गया, पहले इसमें लाइट आ रहा था अभी इसमें लाइट नहीं आ रहा है, पहले रिजनरेशन का लाइट शो हो रहा था। मैं इसका DCU को चेंज किया हूँ, डोजिंग कंट्रोल यूनिट DPF लाइट शो हो रहा था इसमें, अभी इसमें कोई भी लाइट शो नहीं हो रहा है देख सकते हो, सर्विस लाइट भी नहीं आ रहा है और रीजनरेशन का भी लाइट आ रहा था वो भी नहीं आ रहा है। ये फ्रेंड एयरबैग का लाइट है वो क्लियर हो जाएगा, बाकी इसमें कोई लाइट नहीं आ रहा है।
पहले इसमें कंटिन्यू लाइट शो हो रहा था, मैं इसको रीजनरेशन भी किया था, इसका ECM भी चेंज करके देखा, बट कंटिन्यू लाइट शो हो रहा था, रिमूव नहीं हुआ। फिर मैं डोजिंग कंट्रोल यूनिट जो है उसको मैं चेंज किया, तो इसमें अभी लाइट नहीं आ रहा है, देख सकते हो। पहले फ्रेंड इसमें कंटिन्यू लाइट शो हो रहा था, फ्रेंड यहाँ जो लाइट शो हो रहा था रीजनरेशन का, अभी वो लाइट नहीं आ रहा है, आके चले जा रहा है। पहले कंटिन्यू रह रहा था, अभी रिमूव हो गया वो। देख सकते हो यहाँ पास लाइट शो हो रहा था बट अभी नहीं हो रहा है। इसमें फ्रेंड अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके DCU में प्रॉब्लम था, इसका DCU को हम लोग चेंज किए हैं और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लाइट नहीं आ रहा है, लाइट रिमूव हो गया। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। और फ्रेंड जितने लोग मेरे चैनल पे नए, मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचते रहे।